हेलो व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के पेपर के सिलेबस एज वेल एज़ टेस्टिंग के ऊपर इस वीडियो में मैं आपको थोड़े हिंट्स दूंगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं और पेपर आएगा कैसे मीन्स टेस्टिंग में आपको बताऊँगी बिकॉज टिल द एग्ज़ाम बच्चे कन्फ्यूज ही रहते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे आना है ठीक है बच्चे लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग दिस इज़ फॉर रेगुलर स्टूडेंट दिस सिलेबस इज़ फॉर रेगुलर स्टूडेंट बट प्राइवेट और डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स का सिलेबस भी सेम है बट मार्किंग स्कीम में थोड़ा डिफरेंस है उनका जो टोटल पेपर है वो हंड्रेड मार्क्स का है बट फॉर रेगुलर स्टूडेंट इट इज़ ऑफ सेवेंटी फाइव मार्क्स इसमें से इंटरनल एग्जाम है ट्वेंटी फाइव और एक्सटर्नल मीन्स थियोरी का आपका पेपर आएगा सेवेंटी फाइव मार्क्स का सो लेट स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्रिक पैलेट बाई ऑरियन ब्लैक दिस इज अबाउट योर पोइट्री बुक पोइटिक पैलेट में से आपको टेन पोएम्स टोटल टेन पोएम्स हैं फर्स्ट पोइम इज पीपल्स सॉन्ग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग सेकेंड इज एप्रेनली विद नो सरप्राइज बाय एमली डिकेंसन, फूल एंड फ्ली बाय जी थाइल, मैजिक ऑफ लव बाय हेलन फेरिस द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय एल्फर्ट टेनिसन सो वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टेस्टिंग में यूनिट वन में आपको फर्स्ट फाइव पोएम में से यूनिट वन पार्ट वन फर्स्ट फाइव पोएम में से एनी टू क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ टू यू हैव टू अटैम्प्ट वन फर्स्ट फाइव पोएम में से आपको दो क्वेश्चन आएंगे मीन्स चॉइस आएगी और आपने दो में से एक करना होगा सो हाउ टू अटम्प्ट वेल जो यू क्वेश्चन uh, है इट विल बी ऑफ इलेवन मार्क्स आप देख सकते हैं टेस्टिंग पार्ट में इलेवन मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन होएगा ये पोइम्स बेटा शॉर्ट पोएम्स है शॉर्ट लिरिक्स हैं बहुत छोटी हैं बट हाउ टू प्रजेंट दीज पोएम्स वेल इन द एग्ज़ाम फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको थीम आ गया या समरी आ गई या मेन आइडियाज़ को प्रजेंट करना आ गया हाउ विल यू अटैम्प by taking example of the first poem i would like to explain people's song by robert browning so first of all you must mention about the poet robert browning uh, robert browning ke baare mein aap basic information like wo kis period se belong karte hain text book mein hi itself mentioned hai, that he is an important poet of victorian period एंड ही हैज़ पब्लिश मैनी पोइम्स उनकी फर्स्ट कलेक्शन क्या है फिर उनकी मेन कलेक्शंस क्या हैं कलेक्शन मतलब कौन सी पोइम्स लिखी हैं मेन उनका इंग्लिश लिटरेचर को क्या कॉन्ट्र कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर एग्ज़ाम्पल हीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्रामेटिक मोनोलॉग टू द इंग्लिश लिटरेचर दैन उनकी जो पोइम्स हैं मेन थीम क्या रहे हैं जैसे इन्होंने एक्सप्लोर किया है ह्यूमन इमोशन्स को मोटिवस को अपनी लिरिकल पोएम्स में डाला है तो दैट यू हैव टू मेंशन इन वन स्टेंजा एक पैरे में आपने वो डिस्कस करना है अबाउट द पोइट्स तो पोइट ने कोई प्राइज विनर है वो जै जैसे कई पोइट्स ने साहित्य एकेडमी अवार्ड अवार्ड और नोबेल प्राइज़ अवार्ड जीता हुआ है यू हैव टू मेंशन दैट वो चार पांच लाइनें या पांच से छह लाइनें यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द गूगल आल्सो फ्रॉम योर टेक्सट बुक ऑल्सो यू कैन वेल प्रिपेयर बिफोर द एग्ज़ाम देन नेक्स्ट स्टार्ट विद द मेन आइडियाज ऑफ द पोइम दैट यू हैव टू मैंशन स्टेप बाय स्टेप वाई यू आर मैंशनिंग द मेन आइडियाज़ ऑफ द पोएम जब आप मेन आइडियाज़ बता रहे हो समरी बता रहे हो सपोर्ट इट फ्रॉम बाय द सपोर्ट इट विद द लाइन्स फ्रॉम योर पोएम फॉर एग्जाम्पल इन दिस पोएम दे आर टू लाइन्स विच आर रियली आयोरिकल दैट इज गॉड इज इन हिज़ हिजेवन ऑल इज राइट विद वर्ड यू कैन मैंशन इन योर आंसर बाई कोटिंग बाई पुटिंग कॉमर्स यू कैन मैंशन डिफरेंटली यू कैन हाईलाइट डीज लाइन्स यू कैन लर्न दीज लाइन्स टू सपोर्ट योर आंसर आप अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छा प्रजेंट करने के लिए इसको लिख सकते हो लिखनी भी चाहिए तो ही आपका आंसर अच्छा बनेगा सो दिस वॉज अबाउट हाउ टू अटैम्प्ट ए आंसर फॉर गेटिंग गुड मार्क्स नेक्स्ट next uh, 5.6 to 10 like where is the mind where the mind is without fear by ravindranath Tagore, the souls prayer by saroshi naidu ic10 lookout by walt Whitman, women's right by annie louisa walker then like goodbye party for miss pushpa ts by nizam Esikal. so these are the next um, part this is the next part these are the poems which which will come in second question unit one question number two इसमें से भी लास्ट फाइव पॉइंट से भी आपको दो क्वेश्चन आएंगे यू हैव टू वन एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ़ टेन मार्क्स तो लुक एट दिस द आंसर शुड नॉट एक्सीड फोर हंड्रेड टू फोर फिफ्टी वर्ड्स चार सौ से साढ़े चार सौ शब्द का मतलब एटलीस्ट uh, आपको जो चार सौ शब्द फोर हंड्रेड वर्ड्स यू हैव टू राइट दिस विल क If you will write the proper introduction of your poet, then mean ideas of the poem, then quotations from the poetry, from the poem itself. Ji. next. This is a, this was the poetry part. Next part is Raymond Murphy's grammar. access from 38 to 68 and 82 to 91. Then appendices 5 and 6. Let's come to the unit. टू यूनिट टू ये यूनिट टू विल कंप्राइज फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस टू कॉन्टेक्सट एक्सप्लेशन ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द पोईम रेफरेंस टू द कंटेक्सट टू स्टैंडा आउट ऑफ थ्री आपको तीन स्टैंडा आएंगे तीन पैराज आएंगे उसमें से तीन में से दो करने हैं आपने फ्रॉम ऑल द पोइम्स वन टू टेन क्लियर इन टू हंड्रेड वर्ड्स विद रेफरेंस टू द कंटेक्सट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वो लाइन्स जो आपको दी गई हैं पेपर में वो लाइन्स किस पोइम में से हैं किसने लिखी हैं उस पोएम का मेन आइडिया क्या है देन एक्सप्लेनेशन में आपने वो जो लाइन्स हैं उनको इन सिंपल सेंटेंसेस इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्लियर सिक्स प्लस सिक्स मतलब एक स्टैसा जो है छः नंबर का होगा टोटल इट इज ऑफ ट्वेल्व मार्क्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर दिस इज द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश पहले आपको आई थी इंग्लिश से आपने करना था हिंदी और पंजाबी में पर अब आपको हिंदी और पंजाबी दी होगी और आपने इंग्लिश में उसको कवर करना है बेटा ये जो पार्ट है इट इज ऑफ टेन मार्क्स फाइव सेंटेंसेस विल बी देयर और एक सेंटेंस दो नंबर का होगा ठीक है सो दिस पार्ट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग पहले आप रीड कीजिए कि हाउ टू ट्रांसलेट रूल्स लर्न कीजिए टेंसेज के बारे में जानिए जो आपको आप ऑलरेडी अपनी ग्रामर बुक में कर चुके हैं ठीक है फिर उस मेन वर्ड्स वो कैबरी जो है अपने पास इकट्ठी कीजिए जो वो कैब है आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि अगर कोई वर्ड आता है हाउ टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश वो आपने बड़े ध्यान से करना है दैट विल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस सो दिस इज़ द पार्ट यू कैन गेट टेन आउट ऑफ टेन अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन की है तो फुल मार्क्स यू कैन गेट देन इन यूनिट थ्री दिस इज़ पार्ट ऑफ

यूज द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर टू अटैम्प्ट एट आउट ऑफ ट्वेल्व क्वेश्चन सेट इन एंड एट आउट ऑफ ट्वेल्व सेंटेंसेस इन बी हर क्वेश्चन के टू मार्क्स होंगे मीन सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू मार्क्स दिस सेक्शन विल भी ऑफ थर्टी टू मार्क्स जो आपकी ग्रामर है वो बेटा थर्टी टू मार्क्स की होगी सो इन दिस इट विल कम प्राइज थर्टी एट टू सिक्सटी एट विच आई हैव ऑलरेडी टोल यू जो मैं आपको बता चुकी हूँ एटी टू टू नाइन्टी वन देन अपनजिस फाइव एंड सिक्स बेटा मेन थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ पेपर आपने बहुत केयरफुली करना होता है एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बार देना है ये नहीं है कि ग्रामर में आपके सेंटेंस आ गया पहले पार्ट में आप उस सेंटेंस का आंसर कुछ और दे दो सेकंड पार्ट में और दे दो इन दैट केस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इट विल बी अप टू द एग्जामिनर कि वो दोनों को क्रॉस ना कर दें तो आपने ध्यान से आंसर देना है सिंगल आंसर देना है अगर आप सेकेंड टाइम अटैम्प्ट करना चाहते हो एक बार गलत कर चुके हो देन क्रॉस इट आउट इसको क्रॉस कर दो ठीक है कोई पेज ब्लैक रह गया क्रॉस करके पी टी ओ लिखो क्लियर नेक्स्ट आंसर शुरू कर रहे हो आंसर नंबर बड़ा डाल के आंसर नंबर दिस क्लियर नेक्स्ट आंसर शुरू कर रहे हो टू लाइन्स ड्रॉ करो नीचे आंसर सेपरेटली दैन स्टार्ट करो अपना डू यर पेपर वेल इन नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग ऑल द बेस्ट थैंक यू होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर एग्जाम थैंक यू बच्चि